हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ एक मलयालम मूवी टीजर को, जिसका नाम है वमानम। तो अब इसका मतलब क्या है ये तो मुझे नहीं पता, बट ये मूवी किस बारे में होने वाली है ये चीज़ में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और क्या होने वाला है कॉन्सेप्ट ये देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ दोस्तों। तो मैं बिना किसी देरी के सबसे पहले देख लूँगा, क्योंकि टीज़र है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आई थिंक छोटा मोटा कुछ दिखा देंगे स्टोरी के बारे में। आई थिंक हो सकता है स्टोरी के बारे में इतना पता भी ना चले, टीज़र है, थोड़ा सा हमें शायद झलकियाँ दे दे। तो बिना किसी देरी के टीज़र देख लेते हैं। हॉरर होने वाली है लगता है। हाँ, हॉरर ही लग रही है यार। ऐसे भूतिया इसमें जाता कौन है यार, हवेलियों में। ओ एंजल, ओके, द मैन इन द शैडो। द मैन इन द शैडो इसका मतलब क्या हो सकता है? ओके, तो वमानन का मतलब होगा कुछ, क्योंकि उसी के हिसाब से ये मूवी है। बट इतना तो पता चल गया है ये हॉरर है, और सही में अभी फिलहाल में मैंने एक हॉरर मूवी देखी, आई थिंक कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2, और सही में काफ़ी अच्छी लगी मुझे। एक्सपेक्टेशन तो बहुत कुछ अलग थी, लेकिन कुछ अलग ही मिला, क्योंकि भूल भुलैया 1 इतनी बेहतरीन मूवी थी, और 2 इतनी निराश नहीं की, अच्छी थी काफ़ी। काफ़ी लोग की एक्टिंग अच्छी थी, ट्विस्ट अच्छा था उसके अंदर, और आई थिंक मूवी बिजनेस भी अच्छा कर रही है। तो इंटरेस्ट तो है यार, मुझे इतना नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है हॉरर मूवीज़ के अंदर, और इसके अंदर भी काफ़ी ऐसा लग रहा है कि ये भी डरावनी होने वाली है। और किस चीज़ के बारे में ये पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमने एक मूर्ति देखी थी, आई थिंक वो एक एंजल की मूर्ति थी, और हवेली के अंदर भी हमने कोई कैरेक्टर देखा, एक औरत का देखा, आई थिंक उसको खींच के ले जा रहे थे वो, और आई थिंक एक वाइट से इसके अंदर एक घूमता हुआ वो कैरेक्टर है, वो आदमी है या औरत है वो पता नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि वो बंदा अंदर क्यों गया, या उसने कुछ छुपा रखा था, या उससे ढूंढने गया, या फिर उसको कुछ पता था इस वजह से उसके अंदर गया। तो टीज़र है, इसमें अपने को कुछ पता तो नहीं चलेगा, पूरा जब ट्रेलर आएगा तब पता चलेगा, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मैंने अब तक कोई मलयालम हॉरर मूवी नहीं देखी है। सुपर हीरो मूवी अपने को पता चल गई मलयालम, मिनल मुरली वो हो गई, और इसके अलावा एक्शन मूवी हमने देखी है, फैमिली ड्रामा हमें पता है, जो भीष्मा पर्व मूवी है उसमें फैमिली ड्रामा देखने मिल गया, और इसके पहले मैं एक टीज़र रिएक्ट कर चुका हूँ जिसका नाम डियर फ्रेंड है। तो फ्रेंडशिप के बारे में, मतलब काफ़ी सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है ना, ये सारी मूवीज़ तो हमने देख ली, पर मैंने अब तक कोई हॉरर मूवी नहीं देखी। तो क्या ये पहली हॉरर मूवी हो सकती है? ये कब रिलीज़ होने वाली है ये पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड तो हूँ, क्योंकि मैंने बाकी काफ़ी सारी लैंग्वेज की हॉरर मूवी तो देखी है। हाँ, आई थिंक तमिल तेलुगु की भी हॉरर मूवी मैंने देखी है, बट मलयालम मूवी कोई ऐसा मैंने नहीं देखी मेरे ख्याल से, हॉरर हो और वो मैंने देखी हो ऐसा तो मुझे याद नहीं। आई थिंक ये मेरा फर्स्ट एक टीज़र ही है जो मैंने देखा है अभी तक। तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ गाइस कि मलयालम मूवी इंडस्ट्री अगर हॉरर बनाती है तो क्या लेवल होता है, क्योंकि हमें पता है कि एक स्टोरी टेलिंग का लेवल उनका बहुत डिफरेंट है, एक अलग अप्रोच के साथ वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने बाकी स्टोरीज़ के अंदर देखा है, लेकिन एक हॉरर को किस हिसाब से दिखाते हैं? थ्रिलर तो हमें पता है, लेकिन हॉरर कैसे दिखाएंगे, ये इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो इस वजह से भी ये मूवी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है मेरे लिए, कि यार हॉरर है, फर्स्ट है मेरे लिए एज अ मलयालम मूवी, कि ऐसा क्या होने वाला है, कि ये लोग थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ज़्यादा रखेंगे या फिर घोस्टली एक्सपीरियंस ज़्यादा रखेंगे इसके अंदर, कि भूत ज़्यादा होगा या फिर ये सस्पेंस ज़्यादा रखेंगे अंदर। ये मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है कि ये दिखाएंगे कैसे। तो ऑब्वियसली इसका जब पूरा ट्रेलर आएगा तब ज़्यादा पता चलेगा इसके बारे में, और देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रेलर आएगा तो हमें आगे का पता चलेगा कि क्या है इसके अंदर, और कैरेक्टर्स क्या है वो सब देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि मैंने अब तक कोई हॉरर मलयालम नहीं देखी है, मूवी नहीं देखी है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है।
अगर ये उस लेवल की हुई, आप ये बता सकते हो गाइस कि आपको क्या लगता है कि मेरे को ये पहले देखनी चाहिए या इसके अलावा कोई और हॉरर मूवी है जो मलयालम हो और जो बहुत ही बेहतरीन हो, तो आप मुझे प्लीज़ रेकमेंड करो गाइस, क्योंकि मैं सही में देखना चाहता हूँ मलयालम मूवी लेकिन हॉरर। तो प्लीज़ आप रेकमेंड करो गाइस, और आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, और मैं आपको मिलूंगा एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।